आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ में सपा कार्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो गई। बैठक में मजबूती से एमपी चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस के बीच चल रही तल्खी में कमी आई है। वहीं बैठक के बाद मध्य प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बनाए जाने लगा है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। बता दें कि सपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। इस समय हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से होर्डिंग्स का पूरा जो है वो लगी हुई है, पूरी होर्डिंग्स। इस होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेगा देश। अगर बात करें तो अखिलेश यादव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तमाम होर्डिंगें लगाई गई हैं और साथ ही साथ साफ तौर पर दिखा गया है कि दिल्ली की दूरी जो है उत्तर प्रदेश से वो 550 किलोमीटर है। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बना था होर्डिंग, वो भी दिखाया गया है। तमाम विकास के कार्यों को दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कान्हा स्टेडियम को दिखाया गया है, रिवर फ्रंट को दिखाया गया है, PHQ को दिखाया गया है। सामने सीधे अखिलेश यादव जो है अपनी साइकिल के साथ है, पीछे उनके कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एक तरफ और एक होर्डिंग लगी हुई है जिसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। बात करें तो ये होर्डिंग फखरुल हसन चांद ने लगवाई हुई है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग्स को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार चलता ही रहता है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व वाली पार्टी बनने की तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना कदम जो है वो बढ़ा दिया है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उन 80 लोकसभा सीटों को जीतने का संकल्प समाजवादी पार्टी अपने अलायंस को लेकर साथ चल रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दल इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत भी सुधारा था। अगर बात करें तो अब तक समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने पार्टी के इतिहास का सबसे बेहतर वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव में बात करें तो अर्जित किया था। इसके पहले अगर बात करें तो घोसी उपचुनाव की तो एक बहुत बड़ी जीत घोसी में समाजवादी पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में मिली थी। अब देखना होगा कि इस तरीके के जो संदेश जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको किस तरीके से देखा जाता है। कार्यकर्ता लगातार अखिलेश यादव की बात करते हैं और साथ ही साथ उनको भावी प्रधानमंत्री भी घोषित कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फखरुल हसन चांद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे इन तमाम मुद्दों के बारे में। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये सपना समाजवादियों का है। जो सपना नेताजी के रूप में पूरा नहीं हो सका, समाजवादी चाहते थे कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अगर गोड्डा के तरबगंज इलाके में 2017 में दलित युवक की हत्या की जांच 6 साल में फर्जी तरीके से 14 बार बदली गई। मृतक की पत्नी की ओर से फर्जी अंगूठा लगा कर आवेदन देकर जांच ट्रांसफर कराने का खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में होने पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने DGCBCID को पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि थाना तरबगंज में एक महिला ने अपने पति रमई की हत्या के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR 2017 में दर्ज कराई थी, जिसकी जांच पुलिस की मिलीभगत से कई बार बदल ली गई है। बार बार जांच बदलने की शिकायत के बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपियों के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश होने के बावजूद महिला के फर्जी अंगूठे लगाकर जांच अधिकारी बदलने का आवेदन किया गया। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। इस हत्या की जांच करीब 14 अधिकारियों ने की लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वही महिला का भी आरोप है कि राजनीतिक दबाव की वजह
से जिला पुलिस व सीबीसीआईटी के अफसर आरोपियों को बचा रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पूरी साजिश रच रहे हैं। हालांकि अब शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में होने के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने डीजी सीबीसीआईटी को पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। कैलेंडर से लेकर कोर्ट कचहरी तक आपने बदलती हुई तारीखों और डेटों को देखा होगा, लेकिन आज अगर बात करें तो ये मामला कुछ ऐसा है जिसमें जांच ही बदल दी गई है। तकरीबन एक दर्जन बार से ज़्यादा बार जांच को बदला गया। हत्या क्या यह मामला है गोंडा से प्रकाश में आया है। बात करें तो फरियादी हमारे साथ है, पीड़ित पक्ष हमारे साथ है, क्या पूरा मामला है? सर 2017 में 4 जून को हमारे पिताजी की हत्या राधेश्याम दुबे और उनके सहयोगी राजू कलूट मोहरली और विष्णु शंकर आकर के हमारे पिताजी को उल्टा सीधा गाली गुप्ता देने लगे। फिर हम लोग जब जगे रात में 12 बजे की ये घटना है, जैसे हम लोग को देखे कि हाँ ये लोग पूरे परिवार जग गए। राधेश्याम दुबे ने अपने कट्टे से मार करके हमारे पिताजी को, क्या वजह क्या थी? एक जमीनी हमारी जो PWD रोड के पास हमारी 70 फुट जमीन है, उसी जमीन के विवाद से लेकर के हमारे पिताजी को हत्या। पिताजी से हमारे कहते कि जमीन हमें दे दो, पिताजी ने मना किया कि हम जमीन नहीं देंगे। इस उपलब्ध में हम लोग को मारे पीटे भी थे, उनके खिलाफ हम मुकदमा भी लिखाए थे 2017 में ही, लगभग मैं 15 या एक महीना पहले उनके खिलाफ मुकदमा भी 2017 में लिखाए थे। उसी मुकदमा को लेकर के हमारे पिताजी की हत्या किए हैं। जांच बदलने का बात की जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि लगातार जांचें बदली गई बिना आपके कंसर्न की, जो है वो जांच जो बदली गई। ये लगभग में 15-14 बार उन्होंने जांच ट्रांसफ़र करवा लिया बिना हमारी जानकारी के। प्रथम से ब्रह्म सिंह ने उनके खिलाफ जैसे NPW किया, NPW जारी किया, कोर्ट से लिया, फिर वो जांच ट्रांसफ़र करवा लिए। जैसे कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता या करता है वो जांच ट्रांसफ़र करवा लेते। इतना दबंग आदमी है, सर्कस एक गिरोह गुंडा जैसे आदमी है, बहुत बड़े आदमी है सर। आपसे कंसर्न किया गया था जांच ट्रांसफ़र के लिए, कोई साइन या बात करें किसी कागज पे साइन से लेके अगर बात करें तो अंगूठे का निशान लिया गया था जांच के लिए? ऐसा कोई बात नहीं, ना मुझे जानकारी थी। जब अधिकारी हमारे यहाँ जाँच करने आते तब मुझे पता लगता कि हमारी जांच ट्रांसफ़र हो गई। वर्तमान में CBCID जांच कर रही थी, श्री रचना मिश्रा जी एडिशनल SP हैं और एडिशनल SP ने कोर्ट से SC ST न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ NPW जारी किया और धारा 82 और कुड़की का आदेश करवाया। उसके बाद में वो जांच ट्रांसफ़र करवा, धारा 82 की होने के बाद में वो जांच ट्रांसफ़र करवा ले राधेश्याम दुबे ने। जांच ट्रांसफ़र करवा के माननीय श्री समीर सौरभ जी के पास ले गए, समीर सौरभ जी को पैसे दे करके अपना नाम निकलवा लिए और जो हमारे मददगार थे उनका नाम सम्मिलित कर दिए। मतलब ये बताइए कि लगातार करीबन 10-12 बार जो है जांच ट्रांसफ़र की गई, क्या आपसे पूछा गया था या फिर आपसे साइन या अंगूठे का निशान लिया गया था जांच ट्रांसफ़र के लिए? कुछ नहीं सर, हमसे कुछ ना पूछा गया, ना हमसे अंगूठा का निशान लेने का, कुछ नहीं, ना हमका कुछ मालूम। जब आवत है मेरे द्वारे जांच करे तब हमको मालूम, बीच में मालूम नहीं है। हाँ तो इतना जबरदंग इतना गुंडई कर रहे हैं मेरे साथ, आप बतावा जाए कौन मेयर के हमारी आज कोई गरीब है कैसे मदद हुई? अब वो रुपया वाला है गुंडा है और हमको मदद हमारे जाना नहीं है और ऐसे ऐसा काम करते हैं, बतावा जाए ऐसा ऐसा काम कर रहा, ना हमारा अंगूठा दस्तखत लागे, ना हमको मालूम है वो कैसे ही जांच, यहाँ का लड़ी ताजिब की बात है कैसे ही बदलवा लिया था, हाँ बतावा जाए। तो ये पीड़ित पक्ष को आपने सुना, अब हम उस पक्ष के पास ले जाएंगे जो इस पूरे मामले का गवाह है और पुलिस के द्वारा उसको पूरे मामले का गवाह है, पुलिस के द्वारा उसको आरोपी बना दिया गया। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, पूरा मामला क्या है, आप इस पूरे मामले के गवाह हैं? जी मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, ग्राम पकड़ी पोस्ट जमथा का मूल निवासी हूँ। मैं जिस दिन घटना हुई थी 3 जून को मैं बिहार अपने मामा के यहाँ शादी में गया था। वहाँ से लौटा तब हमको राजकुमार ने बताया कि मेरे पिताजी को मतलब गोली लगी है, कुछ मदद मेरी करिए। तो मैं वहाँ गोंडा गया, गोंडा से उनकी हालत ख़राब थी, मैं लखनऊ लेकर आया, एडमिट कराया। रात में डॉक्टर ने बताया कि राजकुमार से कि अब खून की व्यवस्था करो, खून में ही मिल रहा था। तो उन्होंने कहा भैया अगर आपका खून मिल जाए तो आप खून दे दीजिए तो मेरे पिताजी बच जाएंगे। मैंने उनको खून भी दिया, उसके बावजूद ऑपरेशन होने से पहले ही वो उनकी मृत्यु हो गई, यही बात है।
मृत्यु होने के बाद जैसे मैंने जब 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 हमको आईओ ने बुलाया, मैंने अपना साक्ष्य दिया कि अब जो समीर सौरभ जी हैं वर्तमान के विवेचक हैं, इन्होंने तरफगंज में हमको बुलाया नोटिस देकर। मैं गया वहाँ, अपना सारे साक्ष्य दिए कि श्रीमान जी मैं घटना के एक दिन पहले ही बिहार गया था, मेरा घटना से कोई लेना लादना नहीं है। और उसकी सीडी भी मैंने दी, मैंने रजिस्ट्री भी की दी कि हो सकता है मौके ना लगाएं, मैंने उनको रजिस्ट्री भी कर दी एसपी लखनऊ को, सीबीसीआईडी एसपी लखनऊ को मैंने रजिस्ट्री की, रसीद भी मेरे पास है, मैं वहाँ का प्रमाण पत्र, प्रधान का प्रमाण पत्र भी है, शादी की रिकॉर्डिंग भी है, सारे साक्ष्य देने के बावजूद भी मुझको उन्होंने आरोपी बना दिया। आपको आरोपी बना दिया पुलिस ने, जबकि आपने पीड़ित पक्ष की मदद करने की कोशिश की थी। मैंने मुझको ही आरोपी बना दिया, तो इस मानवता के लाने कौन किसी गरीब आदमी की मदद करेगा जो स्वयं फंस जाएगा। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया था, मैंने लड़के ने मुलाकात की थी 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को वहाँ गोरखपुर में मैंने भेजा था कि जाइए बाबा जी से मिलिए, उनसे कहिए कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में है ये, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मेरे बेटे ने डाला था कि ये मामला गंभीर है और इसमें मेरे पिताजी नाजायज फंसा जा रहे हैं, जिसमें आप मदद कीजिए, न्याय कीजिए, आपका ही आदेश है कि कोई निर्दोष जेल जाना ना पड़े, उसको न्याय होगा, न्याय के लिए सरकार बनी है। मैं बाबा जी से यही निवेदन करना, प्रमुख सचिव से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी से जांच हटा के निष्पक्ष जांच कराइए, अगर मैं दोषी सिद्ध होता हूं तो मैं जो आदेश होगा वो मानने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह देखा आपने किस तरीके से एक पीड़ित परिवार, एक गरीब परिवार को एक दबंग अध्यक्ष के द्वारा जो है जमीन के मामले को लेकर फंसाया जा रहा है। पहले अगर बात करें तो जमीन के जो मालिक है उनकी हत्या की जाती है, उसके बाद परिवार को परेशान किया जाता है, साथ ही साथ जिन्होंने इस परिवार की मदद करने की कोशिश की थी उनको भी मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया चेहरा, एक नया चित्र आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इंसान को इंसान का कत्ल करना मानो एक खेल सा हो गया है, कभी जमीन के लालच में तो कभी दहेज के लालच में हत्याएं होती जा रही हैं। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर के अंतर्गत एक घर के अंदर महिला का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर पहुंचे महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हुआ ये है कि मेरे बहन को बहुत दिन से परेशान किया जा रहा है, इसके बाद में कल हमारे पास 12:04 पर कॉल आई कि आपकी बहन को बदमाश ने गर्दन काट दी है। इसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, हमको देखने नहीं दिया गया। देखने के बाद जब उसको देखा तो वो मृत मिली हमको। पुलिस के पास गए थे, पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। मौके पर पुलिस थी, हमको अंदर नहीं जाने दिया। फोन किसने किया था? फोन किया था मेरे बहनोई ने, डील सिंह, जिसको हमारी बहन भी आई थी। पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। आपको क्या लग रहा, कैसे क्या है? हमको क्या बताया, क्या बताए? उसके देखा तो ये गर्दन में उसके धारदार हथियार से काट के उसकी हत्या की गई। आप सबको अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर में सूचना के आधार पर कि सीता देवी, जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, मृत अवस्था में पड़ी हुई है। मौके पर सारे उच्च अधिकारी पहुंचे, फोरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंची, सारे साक्ष्यों का संकलन किया। मृतका के मायके पक्ष के परिवारी जन आए और उनके द्वारा यह बताया गया कि मृतका को ससुराली जनों द्वारा दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था और जिसकी पूर्ति न होने पर इनके द्वारा सीता को मार दिया गया है। मैनपुरी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला मैनपुरी थाना बोगांव क्षेत्र के ग्राम रामनगर अहिरवा का है, जहां सुबह तड़के लगभग 4 बजे घर में घुसकर सोते समय महिला की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते नामजदों ने 45 वर्षीय महिला रेखा देवी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नामजद आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर एसपी विनोद कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि हत्यारोपी सर्वेश शाह और उसके फरार परिजनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहब ये लड़ाई दंगा पहले होता था,
बाकी जे लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई जे जगह की। अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया था। तो क्या घटना क्या घटित हुई है? घटना ये गोली मार दी। किसको मारी है? मेरी रेखा को। क्या जमीनी विवाद की वजह से? हाँ। लगातार आप प्रशासन से अपनी बात कह रहे थे? हाँ सर, आठ दफे कही, सुनवाई नहीं हुई, कभी नहीं हुई सुनवाई। जांच कराई जाएगी। कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे? 5-6 लोग थे। क्या कोई धमकी धमकी दी थी? हाँ, तो पहले धमकी दी है, थाने में रिपोर्ट भी दी है, रिपोर्ट भी करके आई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। दरोगा साहब आते, वो पकड़ के ले गए उसे फिर जाके मिर्जापुर छोड़ दिया, जाके रुपया लेके दे के छोड़ दिया। देखिए, थाना भोगाँव के रामनगर खेरवा का मामला है, जिसमें रेखा देवी हैं, उम्र करीब 45 साल की होगी, रात में अपने घर के बरामदे में सो रही थी, जिसमें जमीन संबंधी विवाद को लेकर के सर्वेश शाह के हैं और उनके परिवार के और लोग भी हैं जिन्होंने पट्टी मार दी है, इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। गडवाड़ी को मर्चरी भिजवा दिया गया है और तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत की जा रही है और मृतकों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल हत्या ने पुलिस की पोल खोल दी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई इस तरह की वारदात के बाद भी गाजियाबाद पुलिस ने सबक नहीं लिया था और धमकी मिलने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और हत्या के बाद चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल बीती देर शाम करीब 8 बजे महमूदपुर गाँव में एक युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी और साथ ही कार सवार आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गोलियों से लगने से युवक की जान चली गई है। दबंगों ने गोलियों से युवक की मौत को घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से युवक की जान चली गई है। नहीं, परिजनों से बात ये देखिए, हमें हत्या का पता चला और वो इतनी जो देर हुई है वो इसलिए हुई है कि परिजनों का कहना है, एक तो इन्होंने पहले ही कंप्लेंट कराई थी कि इनकी हत्या हो सकती है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बकायदा लिखित में की गई, वो की गई और अधिकारियों से, मतलब जो है ये थाने स्तर के अधिकारियों से इन्होंने मतलब अपने गुहार। शाला जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दूं, ये पूरा थाना टीला मोड़ का पूरा मामला है, जहां पर महमूदपुर में गांव जो है वहां पर हाई प्रोफाइल एक लगातार जिस तरीके से हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है गाजियाबाद के अंदर में, तो कहीं ना कहीं दिन दहाड़े की बात करें, शाम रहते ही एक युवक जब कार से अपने घर की तरफ जा रहा था, तीन लोग बाइक सवार आते हैं, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, उसके बाद उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो स्थानीय गांव वाले हैं वो लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, उन्होंने काफी वहां पर उग्र प्रदर्शन भी किया, ताकि खासतौर पर प्रशासन की लापरवाही को लेकर खासतौर पर, और जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रधान है खासतौर पर, जो वहां का क्षेत्र का प्रधान है, उसके ऊपर भी आरोप प्रज्वल लगा रहे हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है। बात करें सुबह तक, उन्होंने कम से कम 15 घंटे बाद डेड बॉडी जो है वो पुलिस को नहीं सौंपी गई, पुलिस पंचनामा करना चाह रही थी, लेकिन परिजन वहां से डटे रहे, परिजनों ने बॉडी को नहीं लेने दिया। खासतौर पर उनकी मांग थी कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। प्रवीण, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, फिलहाल ये जांच का विषय है, जो वहां पर खुद एडिशनल CP दिनेश कुमार की भी पहुंचे थे और खासतौर पर जो खतौली के विधायक हैं मदन भैया, वो भी मौके पर पहुंचे थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें कुछ बात भी सामने आ रही है कि राजनीतिक चीजें भी निकल कर आएंगी, राजनीति के तहत भी इस पूरी वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो मृतक है उसके परिजन जो है अभी भी नाखुश नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके जो घर परिजन की जिस तरह से हत्या की गई है, सरेराह हत्या की गई है, वो अपने घर के लिए जा रहे थे, हालांकि घर की दूरी ज्यादा दूरी नहीं थी, 100 मीटर की दूरी थी, वहां से बताया जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर इस तरह से घटना को अंजाम देकर वहां से जो बदमाश थे वो फरार हो गए। फिलहाल जो पुलिस ने है कई टीमें गठित कर दी गई है, लेकिन परिजनों की तरफ से जो तहरीर दी गई है, एक प्रधान बताया जा रहा है जो गाँव का ही प्रधान है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। पहले भी उस प्रधान से कुछ अनसुनी बात हुई है, कहा सुनी हुई है, उसको लेकर परिजनों ने जो है सीधे तौर पर उस प्रधान के ऊपर ही आरोप लगाया है, प्रधान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है पुलिस, और साथ ही साथ जो लोग इस हत्या में शामिल हैं, जो आरोपी फरार हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
फिरोजाबाद में सनसनी केस का पुलिस ने खुलासा किया है। मामला फिरोजाबाद के थाना नारकी के गांव सलीमपुर का है, जहां पर एक 14 वर्षीय कृष्णा अपने सहयोगी सुमित के साथ 19 अक्टूबर को शाम 6 बजे आलू की बुआई करने के लिए गया था, लेकिन सुबह तक कृष्णा घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने जब सुमित से पूछा तो सुमित ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद परिजनों ने सुमित के खिलाफ थाना नारकी में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें अपने बेटे की गुमशुदगी और सुमित के साथ जाने की बातें लिखी। पुलिस ने देरी न करते हुए सुमित को हिरासत में लिया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो सुमित ने सारा राज उगल दिया। फिलहाल हत्या किन कारणों से लेकर हुई है यह भी साफ नहीं हो पाया है। देखिए 19 तारीख को एक सलीमपुर गांव का एक कृष्णा नाम का युवक, एक सुमित जिनके खेत में आलू बोई जा रही थी, उनके साथ में ट्रैक्टर से गया था। सुमित तो घर वापस आ गए किंतु कृष्णा वापस नहीं आया। उनके परिजनों द्वारा 21 तारीख को थाने में सूचना दी गई कि मेरा बच्चा अभी तक लौटा नहीं, और सुमित से जब हमने बात किया तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं दिया। हमें संदेह है कि सुमित ने ही गायब किया है। इसके बाद तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना शुरू की गई। फिर उसी दौरान सुमित को हिरासत में लिया गया। जब पूछताछ उनसे की गई तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया तथा यह भी बताया कि उसी आलू के खेत में गड्ढा खोदकर बॉडी को दबा दिया है। किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया। आपको बता दें कि बयान में उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार पर चर्चा की जा रही है, संगठन में कुछ लोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संगठन के ड्रेटन का निर्माण नहीं करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है और फिर उन पर कार्यवाही की जाएगी। हरदोई में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सांडी कस्बे के शिवम इंटर कॉलेज के स्कूल के सामने से आया है, जहां चार अज्ञात बदमाशों ने बीती रात चौकीदार को बंधक बनाकर स्कूल के नल में बांध दिया और स्कूल के ऑफिस से लैपटॉप, स्कूल के अभिलेख समेत लगभग 2 लाख की नकदी लूट ले गए। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस अपनी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। झांसी के समथर थाना क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के पास विशालकाय अजगर देखने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने समथर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। वहीं रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल की तरफ वन विभाग की टीम ने छोड़ दिया है। और यहाँ पर पार्क के पास में अजगर दिखाई दिया कुछ लोगों को, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी मौके पे आए, उसके बाद में वन विभाग की टीम को बुलाया गया और हमारी पंचायत के अंतर्गत सजोगरी ग्राम से सपेरों को बुलाया गया। इन्होंने संयुक्त रूप से उसको पकड़ के और जो किले के साइड में खाई है, गहरी खाई है, उसमें पकड़ के छुड़वा दिया गया है। खबर अलीगढ़ से, जहां सभासद ने जनता और साधना न्यूज के पत्रकार से बदसलूकी की है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र का है, जहां भाजपा सभासद के प्रति क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में ना ही सफाई और ना ही पानी की व्यवस्था की जाती है। बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने सभासद के प्रति मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं जब भाजपा सभासद से साधना न्यूज के पत्रकार ने सवाल पूछा तो सभासद जवाब देने में भड़क गए और पत्रकार के साथ अभद्रता करने लगे। जनसमस्याओं की आवाज उठाने पर पत्रकार के साथ भाजपा सभासद आक्रोश में आ गया और जनता के सामने ही पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार की ओर धक्का मुक्की भी किया। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए गुलावठी कोतवाली का प्रभारी बनाया गया। लॉ की छात्रा पदाक्षी कौशिक को गुलावठी कोतवाली के लिए एक दिन के लिए निरीक्षक बनाया गया। इस दौरान प्रभारी बनी पदावती कौशिक ने थाने पर आई महिला फरियादियों की फरियाद सुनी और उसके जल्द निवारण के लिए संबंधित निर्देशा निर्देश भी दिए। पद्मावती कौशिक का कहना है कि यदि सभी पुलिसकर्मी ईमानदारी के साथ काम करें तो समाज में घट रहे अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही पद्मावती कौशिक में आम आदमी को भी जागरूक व कर्तव्यनिष्ठ बनने की बात कही। वहीं प्रभारी बनी पद्मावती कौशिक ने थाने के समस्त स्टाफ की सराहना भी की और उनके सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की। लॉ छात्रा पद्मावती कौशिक ने कहा कि यदि भविष्य में उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है तो पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।
लखनऊ में भले ही एलडीए अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने का दावा कर रहा हो, लेकिन वो दावे केवल कागजों में ही दिखाई दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ कार्यवाही होती है तो दूसरी ओर मेहरबानी देखने को मिल जाती है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है एलडीए जोन 4 के। इस प्लॉटिंग पर आप काम चलता देख रहे हैं। इस अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कई बार कार्यवाही हो चुकी है, उसके बावजूद इस प्लॉटिंग पर जोरों से निर्माण कार्य किया जा रहा है। दरअसल बीते मंगलवार को एलडीए ने इसी अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की थी। उसके बाद यहां का ठेकेदार एलडीए की कार्यवाही को ठेंगा दिखाकर निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक तरफ तो दावे करता है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर रहा, तस्वीरें भी भेजता है कि उनके द्वारा इस जगह पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, बिल्डिंगें सील की गईं, लेकिन उसी जगहों पर दूसरे दिन फिर से निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। इस बात को लेकर के क्या कहा जाए, एलडीए लाचार या फिर लापरवाह या फिर यूं कहा जाए नज़रअंदाजी, क्योंकि ये जो आप लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय देख रहे हैं, यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी बैठते हैं, बैठकें करते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन उन निर्देशों का कितना पालन होता है ये जमीनी स्तर पर साफ देखने को मिलता रहता है। जो यहाँ पर अधिकारी हैं, एक्सीएन हैं या सुपरवाइज़र हैं, पहले तो बातें कही गई कि जो सुपरवाइज़र और इंजीनियर जो ग्राउंड जीरो पर रहकर सभी पर निगाह रखते हैं, निगरानी करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन उनकी संलिप्तता होती है जिसके कारण अवैध रूप से निर्माण भी हो रहे होते हैं, बिल्डिंगें भी तैयार हो जाती हैं, उन पर बनने के बाद कार्रवाई होती है। तो इन सभी मामलों को लेकर एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के द्वारा सुपरवाइज़र और इंजीनियरों को हटा करके पूरी जिम्मेदारी एक्सीएन को सौंपी गई, लेकिन ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद भी लगातार उसी तरह का काम जारी है। क्योंकि अगर तस्वीरों की बात की जाए जोन 4 में या फिर जोन 5 में या फिर इसके साथ ही जोन 2 की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ तौर से देखा गया कि जिस जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई उसी जगह पर फिर से निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। इन सभी मामलों को लेकर के जब अधिकारियों से बातचीत भी करनी चाहिए तो उनके द्वारा इस मामले में बोलने से साफ मना कर दिया गया। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी संलिप्तता शामिल है, क्योंकि बिना नक्शे के, बिना वैध घोषित किए अवैध रूप से जिस तरह से काम हो रहा है, तो उसमें आखिर सरपरस्ती किसकी है, कौन इनको शरण दिए हुए है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस के तहत जिस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कवायद सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें पूरी तरह से संलिप्तता जो देखी जा रही है वो साफ तौर से ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। तो अभी इन तस्वीरों को लेकर के जब बातचीत की जा रही है तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो बिल्डर हैं वो अपना काम चोरी छिपे कर रहे हैं, और उसका जो बात की जाए जो कार्रवाई की, कई बार कार्रवाई करने की जो बात कही गई, नोटिस देने की बात कही गई, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो अभी तक नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से संलिप्तता है, लेकिन जब खबर चलती है तब अधिकारी साफ तौर से कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचते हैं, बिल्डिंग को सील करते हैं और फिर काम शुरू होता है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करने का जो दावा कर रही है, निर्देश दे रही है, तो उसको अधिकारी किस तरह से पूरा करते हैं या फिर उसमें संलिप्तता निभाते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।